बहुत स्वागत है। मैं एक बार सबको इंट्रोड्यूस जरूर कराना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि कोविड के चलते, प्रोटोकॉल के चलते, हमने बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को बुलाया है, और जो होटल ने हमें परमिशन दी उसके बाद हमें बहुत कम लोगों के बीच में ही कार्यक्रम करना था। लेकिन जैसा कि आप साधना टीवी, ईश्वर टीवी और साधना प्लस न्यूज पे लगातार हमारे अब लाइव कवरेज शुरुआत हो जाएगी, उस पूरी परिचर्चा में जो दिन भर की परिचर्चा रही, जिसमें हमारी शुरुआत नेता से लेकर के पुलिस अधिकारी, बिजनेसमैन, बुद्धिजीवी वर्ग, अलग अलग जो सेगमेंट्स पे जो लोग आए, उन सब के बीच में आज एक और महत्वपूर्ण गेस्ट जो है वो हमारे बीच में है। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर सारांश जैन जी को। डॉक्टर साहब प्लीज, आपका स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। डॉक्टर सारांश जैन जी के बारे में बताना चाहता हूं कि कम उम्र में जो इन्होंने अपनी ख्याति की है, जो उनकी ख्याति उनको प्राप्त हुई है, उसके लिए समाज उनका बहुत ऋणी है, क्योंकि समाज पर उन्होंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी बात के तहत और अपने प्रोफेशन के तहत उन पर बहुत फायदा पहुंचाया। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, प्लीज आप मंच ग्रहण करें। डॉक्टर साहब, जो मुद्दा आज का है जनसंख्या नीति के ऊपर हम परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक डॉक्टर के रूप में आपको हमने जब आमंत्रित किया, क्योंकि आपका जो मेडिकल साइंस में जो आपका जो सेगमेंट है, जिसमें आप हम कह सकते हैं कि जनसंख्या नीति और जनसंख्या के ऊपर जिनका सीधा अगर मैं बात करूं तो इन्वॉल्वमेंट है। सरकार जब बात करती है तो वो सिर्फ एक कागजों में बात करती है, जो अलग बुद्धिजीवी जो वर्ग था वो अपनी अलग बात रखता है, वो सिर्फ एक अपनी राय शुमारी कर सकता है, लेकिन आपकी जो भूमिका है, आपके प्रोफेशन की जो भूमिका है, वो सीधी तरह से जुड़ी हुई है। आपका जनसंख्या नीति और जनसंख्या को लेकर के जो नया आप ये प्रारूप होने जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ब्रिजमोहन जी, मैं सबसे पहले तो साधना न्यूज चैनल और आपको इस चीज के लिए बहुत ही मतलब ये अप्रिशिएटिंग वर्क आप लोग कर रहे हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया और आम जनता के सामने इस चीज पे खुल के चर्चा हो रही है, ये एक बहुत अच्छी चीज है और मैं इसको हाईली अप्रिशिएट करता हूं। और जहां तक इस मुद्दे की बात है तो ये योगी सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसकी मैं सराहना करता हूं, और इसमें मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा। हालांकि काफी सारे गणमान्य लोगों ने एजुकेशन के पॉइंट को उठाया, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं इस बात में, और इसमें यह है कि जनसंख्या नीति में हमको एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ वर्क करना चाहिए कि एजुकेट टू इरेडिकेट, और एजुकेशन में भी तो सबसे महत्वपूर्ण गोल होना चाहिए, ये आपके महत्वपूर्ण मंच से और आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि सेक्स एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैं देखता हूं कि भाई जहां बात सेक्स एजुकेशन की आती है तो हर व्यक्ति या तो हंसी मजाक में उस चीज को ले लेता है या उसके अंदर इतना शर्म और संकोच होता है कि वो खुल के उस चीज पे बात ही नहीं कर पाता। यहां पे देखिए क्या जरूरत है जो हमारे समाज को है ना, अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स की भी बात करें, अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी देखिए तो वहां पे बहुत ही इजीली लोग चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, यहां भी डिस्कस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल्स में या अपना जो है किसी क्लोज कॉन्टैक्ट से उन्होंने डिस्कस किया, तो इट इज नॉट गारंटेड कि उनके पास एक सही एजुकेशन हो। लोग एक्सपर्ट से मिलने में, बात करने में शर्माते हैं, बात नहीं करना चाहते इस पे। जहां बात सेक्स एजुकेशन की आती है तो ये होता है कि साथ ना बाबा ना, बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, बच्चों को एक सही राइट एजुकेशन मिल जाएगी, एक राइट पाथ मिल जाएगा, क्योंकि भाई देखिए जो भी कंटेंट है चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो या पोर्नोग्राफिक से रिलेटेड हो, बहुत इजीली आजकल बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, और अगर इसमें अगर उनके पास एक सही एजुकेशन नहीं होगी तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि गलत स्टेप्स होंगे, और जब गलत स्टेप्स होंगे तो देखिए अज्ञानता के अभाव में गलतियां हो जाती हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक सही एजुकेशन लोगों को पास होनी चाहिए, और इवन मीडिया में भी मैं देखता हूं कि जब बात सेक्स एजुकेशन के ऊपर हम करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो रात में 12 बजे के पहले इस चीज को टेलीकास्ट ही नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है एंड वेरी इजिली एसेसिबल है, तो उसमें अगर हम एक सेक्स एजुकेशन के पार्ट को अगर जोड़ देंगे और लोग अगर उसके ऊपर खुल के चर्चा करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि जनसंख्या नीति जो योगी सरकार ने एप्लीकेबल की है इसमें काफी कुछ मदद मिलेगी, और लोगों को एक सही ज्ञान होगा, एक सही नॉलेज होगी, तो इस मिशन और इस विजन के साथ हमें वर्क करना चाहिए,
सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। काफी सारे एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग भी हैं, तो जब भी देखिए सब लोग अगर मिलकर अगर प्रयास करेंगे और इस चीज को एप्लीकेबल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर काफी अच्छा एक कंट्रोल लग जाएगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि हम लोगों के पास भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलिटरेट ही पेशेंट्स होते हैं जो कि जनसंख्या बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बहुत सारे लिटरेट लोग भी हैं, लेकिन उसमें जब हम अंदर कारण में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर हाईली एजुकेटेड, लेकिन उनके पास सेक्स एजुकेशन ही नहीं है। हाउ टू प्रिवेंट, भाई मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई अगर जो है हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपनी जनसंख्या को रखना चाहते हैं या परिवार नियोजन के उपाय जो भी करना चाहते हैं, है ना, तो अब जैसे आपका बर्थ कंट्रोल पिल्स है, लोगों को नॉलेज नहीं है, दे डोंट नो अबाउट दैट, जो बैरियर मेथड्स हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। तो एक सही एजुकेशन होना, मैरिड कपल्स में हम देखते हैं उनको सेफ टाइम अनसेफ टाइम्स के बारे में नहीं पता है जी, और फिर वो कहते हैं कि साहब गलती हो गई, हमने तो हमें ना इस चीज के बारे में जानकारी थी ना हमारे को किसी ने बताया इस चीज के बारे में, और साहब हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण मैं देखता हूं कि जो जनसंख्या आजकल बढ़ती जा रही है, भाई आज हमारा भारत देश अगर आप विश्व में देखिए तो सेकेंड नंबर पे आता है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में आज भी इंडिया को डेवलप कंट्रीज में ही काउंट किया जाता है। तो जिसमें मैं देखता हूं कि भाई देखिए अगर वुमेन्स हैं हमारी, अगर वो सिर्फ बच्चे के पालन पोषण में ही सारा टाइम लगा देंगी, अगर इतने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे लोग और अगर सारा टाइम उनका उसी में लग जाएगा तो देश की तरक्की के लिए कौन सोचेगा। तो अगर भाई देखिए जहां भी एक मास ऑफ पीपल्स होते हैं वहां पे हम क्वालिटी नहीं डिलीवर कर सकते, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, हेल्थ की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, लेकिन जहां पे आपका एक लिमिटेड क्वांटिटी है वहां पे एक तो क्वालिटी मिलेगी। अगर बच्चा भी है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो एक डेडिकेटेड जो है टीचर का एक उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जाएगा और वो एक बेहतर भविष्य बच्चा दे सकता है, है ना। क्योंकि भाई देखिए क्या है कि अगर एक प्रॉपर हमारे जो बच्चे हैं आज की या जो भी जनरेशन है वो कल का भविष्य है, अगर आज का बच्चा ही बच्चे के पास अगर सही नॉलेज नहीं होगी तो कहां से वो एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो कपल्स आते हैं, अब जैसा कि अभी जो है आचार्य जी भी डिस्कस कर रहे थे कि साहब जो है लड़कियां हो गई तो लड़के की चाहत में बच्चे करते चले जा रहे हैं, तो भाई मैं इसमें यही कहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को हमको आगे बढ़ाना चाहिए और सभी को समझना चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो, एवरीबॉडी इज इक्विवेलेंट जी। सिर्फ हम बेटे की चाह में बेटियां करते चले जाएं, है ना, तो वो चीज उचित नहीं है। तो इसमें सरकार को चाहिए कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर मैक्सिमम फोकस करे ताकि लोगों के पास एक सही जानकारी पहुंचे और वो मिथ्स और मिसकंसेप्शन से बच सके। एक बड़ी बात यहां पे निकल के आती है और मैं ये बात भारत से आपसे पूछना चाहता हूं, मैं चाहता अगर माइक अभी उनके पास अगर है तो प्लीज। भारत सर एक चीज, क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बात कही, हमारे पास सुबह से आप देख रहे हैं तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हमारे बीच में रहे, मंत्री से लेकर के जो समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं आप उन सब, और पत्रकार क्योंकि उन सब की बातें लिखता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी अपना महत्व है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सेक्स एजुकेशन को लेकर, क्योंकि सरकार का इस विषय पर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि उन्होंने जनसंख्या नीति पर एक प्रावधान बनाने की सोच ली है और वो प्रगति की तरफ इस प्रस्ताव को लेकर के प्रगति करना चाहते हैं, प्रदेश की डेवलपमेंट को लेकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन सेक्स एजुकेशन को लेकर के उनकी सोच अभी भी कोई बहुत ओपन नहीं है और हमको लगता है समाज के प्रतिष्ठित वर्ग जो है वो भी इस विषय पर नहीं बोलना चाहता है। क्या लगता है आपको सर ये चीज डॉक्टर साहब ने जो बोली है वो कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाएगी इन फ्यूचर में, अगर हमको जब देश की और प्रदेश की प्रगति की बात अगर अब निकल के आएगी तो? देखिए जो डॉक्टर साहब ने कहा है उन्होंने पूरा प्रैक्टिकल बात कही है और एकदम सही बात कही है। हमारे यहाँ जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति में आप चाहे 1000 साल पहले जाएं, चाहे आप 1200 साल पहले जाएं या 2200 साल पहले जाएं, हमारे यहाँ ये इसकी जागरूकता थी। एक हमारे यहाँ जो है 13 व्यवस्थाएं थी, उन 13 व्यवस्था में एक व्यवस्था ये भी था कि जब आप युवा होंगे तो युवा में गुरुकुल शिक्षा में एक एक शिक्षा की एक पूरी पद्धति थी और वो पद्धति लगातार 2 साल की होती थी। ये इधर जब लगभग 900 साल में
900 और एक 1200 साल में वो हमारी जो पद्धति थी वो तो खत्म कर दी गई, वही जो हमारे हजारों वर्षों की पद्धति थी उसी पद्धति का एकदम नायाब चीज, एकदम जीदा जाता उदाहरण खजुराहो में है, मंदिर के रूप में है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब से ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे ये पूरी एक गुरुकुल की, मैंने आपको बताया दो साल की पूरी व्यवस्था होती थी, पूरा शिक्षा दिया जाता था। अभी आप शिक्षा 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 मैं सबको सुन रहा हूँ, एजुकेशन एजुकेशन, मैं देख रहा हूँ ढेर सारे एजुकेटेड लोग हो गए, शादी कर लिए, बच्चे भी हो गए, बच्चे भी नहीं हुए, डाइवोर्स ले ले रहे हैं, कौन से शिक्षित हैं वो, क्या शिक्षा है भाई उनकी। तो उससे बहुत सारे लोग हैं जो उससे हताहत हैं, हम भी, हमारे भी घर परिवार में लोग हताहत हैं, आप लोग जो डायस पे हैं उनके यहाँ भी ऐसे हताहत लोग हैं जो मन को कष्ट होता है, जबकि ऐसा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं यार अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो जब अलग तो हो गए, लेकिन बाद में फिर उनका उनका जब उम्र बढ़ती जाएगी तो बाद में क्या होगा, उसको तात्कालिक लाभ के चक्कर में उसको नहीं सोचते हैं, लेकिन अपना जीवन और अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन गर्त में डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी, हमारी संस्कृति में थी ये, वो दुनिया की किसी और संस्कृति में नहीं थी। इधर करीब 70 के और 60 के दशक में हमारे यहाँ से ही, हमारी संस्कृति से ही हमारा जो ये जो हमारा गुरुकुल की व्यवस्था थी, इसी को ही ले जाके आज कई विकसित देश हैं जिन्होंने उसी सेक्स एजुकेशनल और शिक्षा व्यवस्था को अप्लाई किया और अपने यहाँ उन्होंने लागू किया, उसको नाम उन्होंने अपना दिया, हमें उसको श्रेय नहीं दिया है। और आज वो विकसित देशों में है, हम कभी विकसित देश हुआ करते थे, हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं थी, हम कहीं से छूते नहीं थे, वो किसी भी चीज का उत्पत्ति करनी हो हमारी संस्कृति में मिलेगी वो, और बहुत व्यापक रूप में मिलेगी। हम आज उसको पीछे हो गए, कई ढेर सारी नई ऐसे जनरेशन आ गई, नई ऐसी संस्कृतियां आ गई, नए ऐसे कल्चर आ गए जो हमें थोड़ा सा दूर कर दिए उससे। और इसमें दूर इसलिए होते गए क्योंकि कई ऐसी सरकारें रही, कोई भी सत्तारूढ़ दल रहा, कोई भी ऐसी राजनीतिक दल रहे जिन्होंने तुष्टीकरण के तहत उसको राजनीतिक रूप से लाके प्रवेश किया, उसमें उसमें इन्वॉल्व कर दिया, उसमें डाल दिया। वो योजनाओं में भी मिलेगी आपको, डिपार्टमेंट्स भी मिलेगी आपको, और अपने समाज के भीतर भी मिलेगी। तो उसमें उसको धीरे धीरे लेके निकालना होगा। और जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एजुकेशन है युवा अवस्था का, सेक्स एजुकेशन है, वो डालना जरूरी है। अगर उसकी जानकारी ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है जो यूथ है, जो नए कपल्स है, उनसे गलतियां होंगी तो बाद में उन्हें ही भुगतना है। पता नहीं आर्थिक रूप से सबल हो पाए ना हो पाए, क्या सामाजिक व्यवस्था हो, वो तो बेचारे कमजोर हो जाएंगे ना। तो जब कमजोर हो जाएंगे तो वो भार किसके ऊपर पड़ेंगे, वो समाज के ऊपर भार पड़ेंगे और सरकार के ऊपर भार पड़ेंगे, फिर उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, सरकार को फिर चिंतित होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते ही अगर उनको समझा दें सिखा दें तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है, वो आना चाहिए। हमें तो हमेशा हम खुल के रहे, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग थे, लेकिन कुछ इधर कुछ सौ साल में धीरे धीरे हम कमजोर होते गए और जो दूसरे जगहों की संस्कृतियां थी हमारे ऊपर हावी हो गई, और उन संस्कृतियों ने हमें मुखर जो हम थे उसको उन्होंने दबा दिया और कमजोर हो गए। तो जो डॉक्टर साहब है उनकी बात से मैं पूरा सहमत हूं, उसको जाना चाहिए, उस पर सरकार को चर्चा करना चाहिए, एक अलग से व्यवस्था बना दे सरकार, सदन में कुछ चर्चा कर ले, कुछ समाज में चर्चा करा ले, तो उसको उसमें लाना तो जरूरी है। सर एक बढ़िया बात कही भारत सर ने, क्योंकि आप आउटलुक से स्टेटेड हैं, और मुझे लगता है कि जब हम अच्छी बात करते हैं तो पत्रकार ही वो बात खुल के कर सकता है। जो आपने बात कही, समाज के वर्ग उसको सुनता तो है लेकिन बोलने में वो हिचकता है। और सेक्स एजुकेशन के लिए तो आपने बात की, मुझे लगता है कि बहुत जो जितना जो गरीब सेगमेंट है या जो जितना अशिक्षित सेगमेंट है उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है जो शिक्षित सेगमेंट है वो भी, मुझे लगता है उसको इस विषय में उतनी जानकारी नहीं। बिल्कुल, आपके पास तो तमाम लोग आते होंगे, तो आप उनको कैसे इस प्रकार से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए आपकी तरफ से क्या उनकी एक तरह से सुझाव होते हैं? देखिए ब्रिज जी, इस टॉपिक के ऊपर हमारी संस्था डॉक्टर एस के जैन बलिंगटन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड काफी समय से
जो है टॉपिक के ऊपर वर्क कर रही है, हम लोग के टीवी चैनल पे शोज रन होते हैं सेक्स एजुकेशन एंड यूथ वेलनेस के नाम से, है ना। तो हम लोग का मैक्सिमम ये प्रयास रहता है कि जो पेशेंट्स हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो हम उनको काउंसलिंग के माध्यम से कुछ उनको मटेरियल्स हम लोग अवेलेबल कराते हैं ताकि उनको राइट एजुकेशन मिल सके, है ना। और वो जो है भाई देखिए, जब एजुकेशन का अभाव होता है तो चाहे जनसंख्या हो या रोग हो दोनों ही की जो है वृद्धि होने लगती है। तो हम लोग उनको ऐसे मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, साथ में भाई देखिए जनहित में हम लोग शोज रन कर रहे हैं ताकि लोगों को एक सही एजुकेशन हो, एक सही गाइडेंस मिले, है ना, जो वो नहीं जो है खुल के चर्चा कर पाते हैं, चाहे परिवार में हो, फ्रेंड्स में हो, एक शर्म और संकोच है उनके अंदर। तो उन सभी मिथ्स और मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हम अपनी संस्था से ही जनहित में कार्य कर रहे हैं, और जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ भारत सरकार भी आए, तो हम और खुल के और जोश और खरोश के साथ इस चीज को एप्लीकेबल कर सके, और हमारी मैक्सिमम जनता जब एजुकेट होगी तो मेरे हिसाब से इसमें जनसंख्या नीति में काफी हेल्प मिलेगी हमारी सरकार को कंट्रोल करने में। क्योंकि देखिए लोगों की सोच जरूर बदल रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब उनके पास सही एजुकेशन नहीं होगी तो वो चाह के भी वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनके पास एक राइट सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जिसको भारत सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज कल तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, ऑनलाइन है, मीडिया है, एवरीथिंग इज देयर। और ये जो एक सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक मीडिया ने बार लगा रखा है ना, कि भाई हम 12 बजे के पहले इस कॉन्टेंट को नहीं दिखाएंगे, तो इसको रिमूव करना चाहिए ताकि हमारा यूथ, हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन या आने वाली जनरेशन को एक सही नॉलेज हो, एक सही ज्ञान हो। देखिए यहां पे मैं बिजी आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम भविष्य में, भविष्य को नहीं बदल सकते लेकिन वर्तमान में हम भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। तो अगर हम आज ही से शुरुआत करें तो जरूर भविष्य बहुत सुंदर होगा और हमारा देश एक उज्ज्वल तरक्की की ओर बढ़ेगा। और हम भी चाहते हैं कि हम भी, हमारा देश भी एक डेवलप कंट्री में काउंट किया जाए, ना कि एक डेवलपिंग कंट्री। बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब। तो और मुझे लगता है कि आज के सेगमेंट में मैं ये बहुत इस बात को पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका है। और मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं क्योंकि जितने भी और हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने जो बात कही वो बात प्रैक्टिकल नहीं थी, वो बात जो उन्होंने कही क्योंकि वो उसको अभी तक उसका स्थापना नहीं हो पाई है, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही है मुझे लगता है आपको इस पूरी बात को बहुत गहराई से और पूरी ईमानदारी से समझने की आवश्यकता है। और जिस तरह से जिस साफगोई से डॉक्टर ने इस बात को रखा, मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों को मुझे लगता है मेडिकल फील्ड में और भी आगे बढ़ करके इस मुद्दे को आगे रखना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नीति जो है वो सरकार के साथ मिलकर, और भारत सरकार की बात जो डॉक्टर शरद जैन जी ने की वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने चैनल के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को भी मैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से इस बात को जरूर पहुंचाना चाहूंगा, और मैं निजी रूप से मिलकर के जो साधना समूह का जो प्रयास होगा वो ये होगा कि डॉक्टर शरद जैन की बात उनको पहुंचाया जाए। और मैं कह सकता हूं कि ये दो आप इनको इनके साथ, अगर आपको लगता है कि कोई इनको कोई इसका नाम और शोहरत मिलेगी, वो इनकी इतनी ऐसी सोच नहीं है। डॉक्टर साहब का मात्र मकसद है कि समाज एक सुधरे, समाज में एक अच्छी व्यवस्था हो, और आप इनके साथ इनकी राय लेकर के आप उसको काम को जरूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में, और आपने समय निकाला उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रिजी। बस मैं लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूंगा कि हमें अपने भारत देश को ये बढ़ती हुई जनसंख्या के संकट से बचाना है और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाना है। यही मेरा आखिरी में कहना है, यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। अब मैं अपने सेशन में जो हमारी एक और महत्वपूर्ण गेस्ट हैं मोनिका सिंह जी, मैं उनको एज एन एजुकेशनल बुलाना चाहता हूं, और अपनी जो हमारी जो मेहमान है जो खासतौर से लखनऊ से बाहर से आई हैं, हम उनको भी उनसे हम ट्रैक करेंगे, और उनसे क्योंकि उनका मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव है तो इसलिए हम उनसे, क्योंकि वो धर्म से जिस धर्म से जुड़ी है उस धर्म को लेकर की सारी चर्चा और परिचर्चा है और उस पर सारी राजनीति।